जिला अस्पताल में मंगलवार की रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब इमरजेंसी में अपना इलाज कराने आए सिपाही ने शराब के नशे में तांडव करना शुरू कर दिया। मंगलवार की रात लगभग 2 बजे जिला अस्पताल में कोतवाली थाना अंतर्गत एक सिपाही ने जमकर उत्पात मचाया। सिपाही ने वहां के कर्मचारियों के साथ हाथापाई की और इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़े, कुछ कागजातों को भी फाड़ दिया। ये सब उसने शराब के नशे में धुत होकर जमकर बवाल काटा। इसी के विरोध में जिला अस्पताल के इमरजेंसी सहित सभी डॉक्टरों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर काम किया ताकि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित ना हो सके। इमरजेंसी में काम कर रहे बुधवार की सुबह डॉक्टर ए के गर्ग ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, हो गए अब मुझे कब आना है। भवानी छापर की बात है, आप क्या हो गया रात में जो है जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिसका आप ये शीशा वगैरह टूटा उसका आप देख रहे होंगे। घटना के विरोध में हम लोग कल भर्ती हो गए। कहाँ के थे वो लोग, कहाँ से आए? कोतवाली ये पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट। उधर इस घटना के बारे में जब गोरखपुर न्यूज ने जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने पूरी घटना का क्रमवार विवरण देते हुए बताया। इमरजेंसी में डॉक्टर राकेश कुमार तैनात थे, उन्हीं उस समय ड्यूटी में कोई एक सिपाही जो है वर्दी में थे नशे की हालत में आए और जरा सा सर में चोट लगी थी। जब तक इलाज करें उस समय वो खराब शराब पकड़ने लगे और कुर्सी में पटकने लगे, शीशा दरवाजे का तोड़ दिया और तमाम रजिस्टर फाड़ दिए। जब तक उन्होंने जो भी मना करे सबको झड़क देते थे। डॉक्टरों को अकबक अकबक बोलने लगे तो डॉक्टर ने 100 नंबर पर फ़ोन किया तो कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर कोतवाली में फ़ोन किया तो 2 सिपाही आए, तो सिपाहियों ने भी जो है उसको मना करने को उसको रोकने की बजाय और डॉक्टर को ही पकड़ के खींच के ले जाने लगे। कालर पकड़ के खींच लिया, डॉक्टर की कालर फट गई थी और ले गए कि कोतवाली में ले जाओ। और एक मरीज उस समय इमरजेंसी में सांस से स्टेशन पर लेटा हुआ था, उसके इलाज कर रहे थे, उनको पकड़ के ले जा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मरीज का इलाज कर रहे हैं, छोड़ के इमरजेंसी चले जाएंगे, मुझे उच्च अधिकारियों को फ़ोन करने दीजिए। मुझे फ़ोन किया गया, मैं गया, तब तक उन लोगों ने आपस में भी डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर लोग आए, मैंने सीओ कोतवाली को फ़ोन किया, एसपी सिटी को फ़ोन किया कि आप लोग इस मामले को देखें। सीओ सिटी आए और ये हुआ कि जो सिपाही है उसका मुआयना किया जाए। वो सिपाही जो नशे में था उसका मुआयना किया जा रहा था। मुआयने के समय जो उन्होंने तहरीर लाई थी कोतवाली में उसको लगा के डॉक्टर शाहनवाज मुआयना कर रहे थे। सीओ और इंस्पेक्टर कोतवाली के सामने ही वहाँ बहुत सारे लोग थे, सबके सामने ही उसने पूरा पकड़ के फाड़ दिया, सबके सामने ही फाड़ दिया। उसके बाद भी इतने अधिकारियों के सामने फाड़ने के बाद भी जो है कोई उस समय तात्कालिक कार्रवाई नहीं की गई। तो डॉक्टरों का आरोप यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज किया जाए। हम करेंगे, जिस तरह से घटना हो रही है उसको देखते हुए तो मांगना क्या उचित बनता है इमरजेंसी में सुरक्षा। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो नशे की हालत में था, उन्होंने मेमो बना के कोतवाली से उसका परीक्षण करवाया जा रहा था मेमो बना के, और डॉक्टर परीक्षण कर भी रहे थे। अभी आधा पूरा परीक्षण था तभी सबके सामने ही उसने पूरा पकड़ के पन्ना फाड़ दिया, रजिस्टर फट गया। वो मेरे कस्टडी में हो सारे रजिस्टर मेरे कस्टडी, और उसके पहले जब कोई भी नहीं आया था, जब वो अकेले था तभी मेज पर रखे हुए रजिस्टर को उसने फाड़ा था, वो सभी मेरे कस्टडी में। इस घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बातचीत करते हुए SSP शलभ माथुर ने विशेष तौर पर बताया कि मऊ डिस्ट्रिक्ट में तैनात सिपाही से इलाज कराने को लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक से झड़प हो गई थी। जांच के बाद आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आगे उन्होंने बताया। ये कल रात में करीबन 1:30 बजे के आसपास इमरजेंसी के अंदर एक कांस्टेबल जो है उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जो है उनका डॉक्टर से विवाद हुआ। इस संदर्भ में जो ये पर्टिकुलर कांस्टेबल है मऊ जिले के दोहरीघाट थाने के ऊपर तैनात है और अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार वहाँ से जो है बिना परमिशन के यहाँ पर आए थे। यहाँ पर उनका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद फिर वहाँ पर और भी पुलिस बल पहुँचा, उसके बाद क्षेत्राधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट भी पहुँचे। वहाँ पर डॉक्टर्स की तहरीर के आधार पर इनके खिलाफ़ FIR हुई है, कुछ और पुलिसकर्मी के खिलाफ भी हुई है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कांस्टेबल है इनका प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है और इनकी विधिक कार्रवाई करते हुए जो है इनकी गिरफ्तारी की गई है। जो प्रशासनिक रिपोर्ट है वो कंसर्न जिले मऊ को प्रेषित की गई है और इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई गुण दोष के आधार पर की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम सामान्य है।